हाय गाइस, मैं जा रहा हूँ रिव्यू के लिए कमांडो 2 देखने। मेरे एग्जाम्स है दो दिन में, बट एज आई हैव प्रॉमिस कि मैं रिव्यू जरूर लेकर आऊंगा। सो हियर आई गो, बाय। हेलो, तो आ गए आप ही लोगों का था इंतजार। मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देख रहे हैं रिव्यू शिव्यू, और मैं लाया हूं आज एक मूवी रिव्यू। तो बिना किसी देरी के चलिए गुरु, करते हैं शुरू आज का गुरु वगैरह। दोस्तों, आज की हमारी मूवी है के डायरेक्टर हैं देवेन भोजानी। मूवी में लीड में है विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, एशा गुप्ता, फ्रेडी दारूवाला। दोस्तों, मूवी की जो शुरुआत होती है वो बहुत ऑब्वियस सिनेरियो से होती है। लाइक हीरो की एंट्री हो जाती है 5 मिनट में, ऑब्वियसली। हीरो की बॉडी दिखाई जाती है, ऑब्वियसली। हीरो 15-20 गुंडों को भी मारता है, सॉरी माय मिस्टेक, 30-40 गुंडों को भी मारता है अकेले, ऑब्वियसली। जो चीज इस मूवी में नॉट सो ऑब्वियस थी स्टार्टिंग में, वो ये कि इसमें एक भी फिजिक्स का लॉ डिफाइन नहीं किया है, नॉट इवन स्टार्टिंग। आप एंड के भी अगर सीन्स देखोगे, एक्शन सीन्स, उसमें किसी में भी फिजिक्स को डिफाइन नहीं किया गया। वो बहुत अच्छा लगा देखे कि सब चीजें ग्रेविटेशन के हिसाब से ही हो रही हैं, आंखों को अच्छा लगता है ऐसा देखना। एंड उसके बाद एक बहुत क्रिएटिव चीज शायद यूज की है, जो मेरे को काफी क्रिएटिव लगी एक्चुअली, वो ये थी कि FPS मतलब फर्स्ट पर्सन शूटिंग के लाइक एंगल से शूट किया गया। विद्युत जामवाल ने कैमरा शायद अपने चेस्ट पे पहना था या हेड पे, डोंट नो, वहां पे लगा के उन्होंने एक्शन सीन्स किए हैं जो कि बहुत अच्छे लगे। सो वो काफी प्लस पॉइंट था मूवी में, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। शायद बहुत लोग होंगे गेमर्स, जो लोग मेनली बहुत गेम खेलते हैं, उनको शायद बहुत अच्छा लगे वो सीन। सो मूवी इन ऑल ठीक थी। मूवी में 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज विद्युत जामवाल की मतलब एक्शन सीन्स बहुत खतरनाक है। दूसरी जो चीज थी अदा शर्मा की हैदराबादी एक्सेंट, जो कि लाइक बहुत खराब है। और जो तीसरी चीज, ट्विस्ट्स, ट्विस्ट्स, ट्विस्ट्स। 3 मिनट बाद क्या है ट्विस्ट, 4 मिनट बाद ट्विस्ट, आधे घंटे बाद तो ट्विस्ट नहीं होगा, नहीं नहीं ट्विस्ट है भाई, ट्विस्ट ही है। 1 घंटे बाद ट्विस्ट, मूवी का एंड ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट की ना लड़ी सी लग गई है। क्या बताऊं दोस्तों, इतने ट्विस्ट, इतने ट्विस्ट। मैं आपको बता सकता हूं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में क्या बातें हुई होगी। सर सर मूवी बनाते हैं, मूवी 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 कौन बनाते हैं, ट्विस्ट बनाएंगे। सर एक्टिंग कैसे करेंगे, ट्विस्ट लॉ। सर क्राउड को कैसे गैदर करेंगे, ट्विस्ट लॉ। थ्रिल थ्रिल चाहिए सर, थ्रिल, ट्विस्ट लॉ। सर ऑस्कर, सर ऑस्कर, ऑस्कर कैसे जीतेंगे, ऑस्कर मेरे को जबरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से, और मैं होंठों पे चपका दूंगी एक। तो तेरे को कितनी बार मना किया मैं, उसको एक्टिंग का नाम नपको दो बोल के। हर्ट होता रे हल्लू हल्लू, हल्लू हल्लू हर्ट होता मेरे को। उसको एक्टिंग होना, उसको हैदराबादी एक्सेंट भी होना, या बिरयानी नहीं डाइजेस्ट होना मेरे को, मर जाएगा रे आदमी। दोस्तों फनी चीजें हटा के अब आते हैं कुछ सीरियस चीजों पे। सीरियसली अगर मूवी में कुछ अच्छा था वो थे विद्युत जामवाल के एक्शन सीन्स। एक्शन सीन्स जो थे वो थे एकदम कड़क, कड़क बोले तो रैपचिक। सिर्फ उन्हीं कुछ सीन्स की वजह से मैं मूवी में मतलब बैठा रहा, कॉन्स्टेंटली मूवी देखता रहा, वरना मैं चला जाता। उन्हीं एक्शन सीन्स की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि आप थिएटर में जाके मूवी देख सकते हो, क्योंकि वो एक्शन सीन्स का मजा तो थिएटर में है, वो कहीं और नहीं आएगा। तो जाइए दोस्तों, मूवी जरूर देखिए। मूवी ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत खराब है या हॉल में देखने लायक नहीं, आप अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए या टाइम मत वेस्ट कीजिए। मूवी आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं मूवी। मूवी देखने लायक तो बिल्कुल है। बहुत सारे सीन्स ऐसे आएंगे जहां पब्लिक सीटी मारेगी, पब्लिक ताली मारेगी, आप भी मारोगे। मूवी में ऐसे सीन्स भी हैं। अदा शर्मा की एक्टिंग का भले ही कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन ऐसे 2-3 सीन्स आते जरूर है जहां उन्होंने हंसाया है।
सो मूवी तो दोस्तों देखने लायक बिल्कुल है। सो प्लीज अगर आपने देखी नहीं है तो जाइए देखिए, अच्छी मूवी है, खराब मूवी नहीं है। दोस्तों अब आते हैं हमारे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं दूंगा ग्रेड। पिछली बार की तरह मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि मैं ग्रेड दूंगा तभी आप लोग मूवी देखने जाओगे या नहीं जाओगे। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, और जैसा कि आप लोग जानते हो मैं बहुत लीनियंट चेकिंग करता हूं, यू नो। सो मेरे हिसाब से इस बार इस मूवी को मिलते हैं B+ ग्रेड। सो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। ट्विस्ट से हटके हेलो, तो आ गए आप ही लोगों का इंतजार। मेरा नाम एडीपी, मान लो बेटा मान लो, सीटी मार लो, आएंगे मेरे दिन भी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वो लाल बटन दिख रहा है आपको, लाल बटन नीचे नहीं दिख रहा है आपको, कलर ब्लाइंडनेस। अगर दिख रहा है दोस्तों प्लीज उस लाल बटन को दबा के